हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब मैं इंट्रो डाल रहा हूँ मेरे वीडियो का। तो आज है मिस्टर मिस नॉट हिस्ट। इधर दो मींस आई एम डूइंग इन टीन बिकॉज मेरे एज के हिसाब से इन लोगों ने मुझे टीन में दे दिया, मुझे मिस्टर में करना था। पर इच्छ हो के जहाँ भी हो कुछ भी हो करना तो पड़ेगा ही अब। एंड मैंने ग्रूमिंग भी नहीं किया है और मैंने कुछ किया भी नहीं है, मैंने ग्रूमिंग भी नहीं किया अच्छे से। आज कल मेरा फर्स्ट डे था। कल मैं एग्ज़ाम दे के आके शाम को आया इधर, उसके बाद मैंने ग्रूमिंग किया थोड़ा सा, बस सीक्वेंस सीखा और उसके बाद मैंने आपका फोटोशूट भी किया। तो आज शो है, आज मुझे कुछ लेने जाना है। अभी मैं वेन्यू पे आ चुका हूँ। सो गाइस, तब मैं बात नहीं कर पाया अच्छे से बिकॉज बहुत ज़रा शोर था गाड़ियों का और मैंने सोचा नहीं था कि मैं शो करूँगा, बट एट द एंड हो गया। पता नहीं क्या होगा बिकॉज बहुत सारे कंटेस्टेंट है और आई एम नॉट श्योर कि टॉप 5 में भी मैं जाऊंगा कि नहीं, बट लेट्स गिव अ ट्राई आफ्टर अ ईयर बिकॉज एक साल तो हो गया मुझे रनवेज करते हुए, ब्यूटी विजन करते हुए। तो मुझे पूरा 2 साल होने वाला है इस दिसंबर को। सो इट्स वेरी टफ फॉर मी, बट फिर भी आई विल ट्राई टुडे आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। लेट्स सी। और मेरे ड्रेस वगैरह भी इतना मैंने कुछ बहुत अच्छा नहीं लिया है इस बार। सो वो भी मुझे डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि होगा क्या। सो गाइस, अब मुझे मेकअप के लिए जाना है बिकॉज लेट हो रहा है ऑलरेडी। एंड लेट मी चेक किसी और ने कपड़े पहना है शायद, तो देख लेते हैं एक बार। I like the dreams of my future, not the history of my past. So do what you want with what you have and from where you are. Hi everyone, respected judges, all my dear lovely friends and audience. I am from Satyanagari Barpeta. So much. I hope that you all have a beautiful evening today. Lots of love. गाइस, तो ये है हमारा नेक्स्ट राउंड जो कि है आपका वेस्टर्न राउंड। ट्रेडिशनल राउंड ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और मेरा वीडियो एकदम भी अच्छा नहीं आया ट्रेडिशनल राउंड में। मैंने इतना सोचा था कि अच्छा वीडियो आएगा, बट कुछ नहीं आया, ठीक आया। सो अब पता नहीं क्या होगा। इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया है अच्छे से, आई होप सब कुछ अच्छा हो और लेट्स सी। और ये मेरा ट्रेडिशनल वेस्टर्न, पूरा फॉर्मल पहना है मैंने इस बार। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई डोंट नो यार, मुझे पता नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज था। इंट्रोडक्शन जैसे तैसे करके मैंने दे दिया और बाकी आपका बोलूँ तो मैं ट्रेडिशनल वो मैंने जो पहना था वो मैं दिखा नहीं पाऊँगा आप लोगों को बिकॉज ऑलरेडी मेरा हो चुका है, बिकॉज वो वीडियो ही नहीं कर पाई दीदी और पूरा ब्लर ब्लर कर दिया, क्या क्या मुझे खुद ही नहीं पता है। सो इट्स ओके। सो आई होप नेक्स्ट राउंड में सब कुछ अच्छा हो। सो गाइज, आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड पता नहीं अब क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेट्स सी। सो गाइज, आप कुछ फोटो खींचने जा रहे हैं, सो चलो दूर खोलो भाई। सो बाहर हम कुछ फोटो खींचने आए हैं। फोटो इधर।
इधर हम बाहर फ़ोटो खींचने आए थे, और कुछ जो आपके मीडिया जिनने स्पॉन्सर्स किए हैं उन सब स्पॉन्सर्स मीडिया का भी इधर फोटोग्राफ वगैरह इंटरव्यू वगैरह लेंगे, तो वो सब भी करने आए थे। सो अब हम वापस जा रहे हैं ऑडिटोरियम में, बिकॉज उधर भी वी शुड बी प्रेजेंट, बिकॉज कभी भी आपका नाम अनाउंस हो सकता है, आपको पता नहीं। सो गाइस इट्स कॉफ़ी टाइम, शो वालों से नहीं, हम खुद खा रहे हैं कॉफ़ी। First of all, thank you so much, ma'am, for your lovely question. In my next life, I will really want to be a woman and take part. After that, I want to see what a woman, what a girl goes through their life circle. What the struggle and what the was they all should fight to gain their own empowerment. And to work in our India, because in the other countries there are strict rules for the people who does this type of crimes, but in our India there are rules but not that strict too. But if I thank you so much. Thank you. Thank you. Contestant number 41. So the second runner up, contestant number 41. So guys, I'm done with everything. Now I'm going home and I will take a good sleep. बाकी winning moment या कुछ भी मैंने नहीं दिखाया ऐसे ही, because नहीं दिखाना था. So मैंने बहुत अच्छा किया. I think both sub rounds में traditional wisdom question answer introduction, but at the end what I get is not satisfied. Or satisfied kya bolu, satisfied is a different word, but I'm not happy. Happy matlab maine soch ke liya tha, soch ke kya lo, koi dega kya, I deserve the winner, but winner kisi do ko diya, soch sakte ho winner do ban gaye,
बट मैं नहीं था उसमें और आई वॉज जस्ट रनर अप. सो इट्स ओके. आई डोंट फील पिटी अबाउट दिस थिंग्स. आई डोंट फील सैड अबाउट दिस थिंग्स बिकॉज इट्स नॉट ओनली टूडे. आई एम फेसिंग दिस फ्रॉम 2021. ये सब फेस करते 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 इतना वक्त हो गया है ना. अब ये सब मतलब हिट ही नहीं करता दिल में कि किसी ने ऐसा कर लिया, किसी ने वैसा कर लिया. सो नथिंग हिट्स मी नाउ. आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. और बहुत वक्त बाद किसी शो क्या था और ये था मेरा बैच और इट्स ओके. बट कैन आई डू नाउ. सब कुछ प्रोडक्शन का खेल है, सब कुछ इनका खेल है. बैंस एंड यू आर नॉट. आप सबसे अच्छा भी परफॉर्म कर लोगे देन ऑल्सो विल नॉट बी द विनर हियर बिकॉज इट्स द ट्रूथ. आई हैव नॉट फेस्ड इट टुडे. आई हैव फेस्ड इट साइंस आई थिंक 2021 और 22. इट्स ओके. और बाकी क्या ही बोलो, कुछ नहीं बोलना. और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और कुछ लोग बोलेंगे कि यस ऑब्वियसली आई एम नॉट हैप्पी. हु विल बी. इतना मेहनत करने के बाद बेस्ट, सबसे हार्ड क्वेश्चन मुझे पूछा गया, मैंने सबसे बेस्ट आंसर दिया. उनको कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, डू यू ऑल नो, कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आपका फेवरेट गेम क्या है. एंड दे आर विनर्स लाइक लिटरली. आई एम सॉरी. एंड मुझे पूछा गया था कि इन नेक्स्ट पार्ट व्हाट यू वांट टू बी, ए बॉय और अ मैन. और मैंने जो आंसर दिया, वो सारे हॉल के जो लोग हैं ना ऑडियंस, उन्होंने आंसर कर दिया. सो इट्स ओके कि कौन विनर है, ऑडियंस ने आंसर कर दिया. मुझको करने की या जजेस को करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई एम डन. सो थैंक यू. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए.